हमारा बन के रेडी है मिर्चे की सब्जी, हरे मिर्च की सब्जी, और इससे अचार भी कह सकते हैं, और बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस है। कुछ भी बनाने का मन ना हो बस इसको बनाइए और खाइए, पूरी पराठा रोटी किसी के भी साथ, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। तो देखिए हमारी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। सॉरी एक बार बोल रहे हैं क्योंकि आज काफी लंबे टाइम के बाद हम वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि मायके से अब ससुराल आ चुके हैं, तो अब लगभग सारे काम भी खत्म हो चुके हैं, तो लगभग अब वीडियो आप लोगों को परमानेंट मिलती रहेगी। एक से डेढ़ कटोरी हरी मिर्च, आज हम मिर्च की सब्जी बनाने जा रहे हैं। ये हमारा धनिया पाउडर 2 स्पून, हल्दी पाउडर 1 स्पून, ये हमारी कैरी, ये देखिए इस तरह की मीडियम साइज की कैरी जो 2 ली है हमने, ग्रेट कर लिया है, ठीक है। ये नमक स्वाद अनुसार, और ये सौंफ 1.5 चम्मच, और ये 1 स्पून गरम मसाला। और देखिए आप खट्टा जैसा भी खाते हो उस हिसाब से आप कैरी भी ले सकते हैं, और मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादा तीखी हो तो उसमें, देखिए हमारी तीखी मिर्च है इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, आपकी अगर तीखी मिर्च हो तो आप लाल, कम तीखी मिर्च हो या बिल्कुल तीखी मिर्च ना हो तो आप लाल मिर्च, लाल पाउडर मिर्च डाल सकते हो। ये देखिए ये मिर्च के बीज हैं, अगर आपके मिर्च में ज़्यादा बीज हो तो इस तरह से ये मिर्च के बीज निकाल दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, आप लोगों को दिखाने के लिए हमने अलग अलग रखा था, अब ये सारे मसाले एक में ही हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। ये सारा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पेस्ट बना लेंगे, जिससे कि मसाले हमारे तेल में डालते वक्त जले नहीं। ये देखिए गाइस, हमारा मसाला भीग चुका है अच्छे से, गोल बन गया है। 2 मिनट के लिए आप रख दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए अंदर तक, फिर हम बनाते हैं। देखिए गाइस, हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अपना कढ़ाई चला दी है, तो कढ़ाई होती है फिर बन जाता है। ये देखिए गाइस, 1 स्पून ये हो गया है, ये देखिए 1/2 स्पून ये हो गया है। अगर आप खाने वाली स्पून से देखा जाए तो लगभग 5 से 6 स्पून है खाने वाली ऑयल, जो कि हमने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, आप किसी में भी बना सकते हैं जो ऑयल आप खाते हो। ये देखिए 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे इसमें, इसको अच्छे से तलकने देंगे। ये देखिए गाइस, हमारा सरसों हो गया, ये हो गया जीरा, तो अपना ये जो मसाला है उसको ऐसे हिला के फिर ऐड करेंगे। देखिए गाइस, इसको हम थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे, जैसे कि अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा मसाला हमारा भुन चुका है, और देखिए सौंफ वौंफ पड़ी है, जिससे इतना अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए ये हरी मिर्च, इसको हम इसमें ऐड करेंगे, ये 1 कटोरी, ये 1/2 कटोरी, ठीक है। अब इसको हम इसमें डालेंगे नमक, ये देखिए 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, ठीक है। और इसको अब हम थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे। चलिए अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं, ये देखिए 1/2 कटोरी पानी है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसकी फ्लेम को हम धीमा रखेंगे और इसको हम पका लेंगे। देखिए हमने जो कद्दूकस करी थी कैरी, वो अभी नहीं ऐड करेंगे, वरना हमारे मिर्च पकेंगे नहीं, क्योंकि खट्टा है ना इस वजह से, तो इसको हम पक जाने देंगे थोड़ी सी। देखिएगा इस फ्लेम को धीमा रखिएगा और ऐसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा, ठीक है। ये देखिएगा इस लगभग हमारे मिर्च जो है 80% पक चुके हैं, ठीक है, ऐसे काटने पर कट रहे हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही दबाइए तो दबाने पर ही पता चल रहा है कि हाँ पक रहे हैं, कुछ कसर है पर बाकी पक गए। तो अब हम इस पे अपनी 2 कैरी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस समय कच्चे आम का भी मौसम है तो ये खूब अच्छे से मिल जाती हैं, तो आप ये भी डाल सकते हैं। एक बात और, अगर आपके पास ये ना हो तो व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं, वो भी ना हो तो आप नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने डाल दिया है, इसको हम फिर पका लेंगे, ठीक है, ढककर अब हम फिर पका लेंगे, जिससे कि जो हमने कैरी डाली है ना वो भी पक जाए अच्छे से। ये देखिए गाइस, बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे
मिर्च की सब्जी, बहुत यमी, बहुत टेस्टी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ भी खाने का मन ना हो और कुछ बनाने का मन ना हो, तो ये एक बार बना के रख लीजिए, आराम से चटपटा खाइए। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, आज बनकर तैयार है आज की हमारी रेसिपी, मिर्चे की सब्जी आप बोल सकते हैं, मिर्चे का अचार भी बोल सकते हैं। और एक बात गाइस, अगर इसको आप बना कर रख लेना, तो अगर फ्रिज में रखते हैं तो 7 से 8 दिन 10 दिन भी चल जाएगा, आराम से बना के खाइए। अगर आप बाहर रखते हैं, गर्मी का टाइम है तो 5 से 6 दिन, और अगर ठंडियों का टाइम है तो आप इसे 10 से 12 दिन आराम से चला सकते हैं, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा निकालिए, पूड़ी पराठा सबसे ज्यादा ये पूड़ी और पराठे के साथ बहुत 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 ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।